सो गाइज, आज का ब्लॉग थोड़ा एक्साइटेड होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखें। और अगर न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। वेलकम टू योर चैनल सोलो सफरनामा। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट राजीव। आज हम जा रहे हैं दिल्ली में कुछ और एक्सप्लोर करने। सबसे पहले मैं जाऊंगा यमुना घाट, उसके बाद देखते हैं हम कहां जा सकते हैं, पर उससे पहले हम लेंगे मेट्रो। तो आइए चलते हैं मेरे साथ। तो ये आ जाती है हमारी मेट्रो और ये बीच में पड़ता है अक्षरधाम। इसका व्यू काफी अच्छा लग रहा था यहाँ से। और कश्मीरी गेट मेट्रो से एग्जिट लेने के बाद हम आ जाते हैं यमुना घाट। और जो इस यमुना घाट को चार चांद लगाते हैं वो है यहाँ के ईगल्स। देख रहे हैं ना आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं लेता हूँ एक पैकेट दानों का इन ईगल्स के लिए और अपने पास बुलाने के लिए, ताकि मेरे साथ अच्छे से मोमेंट कैप्चर हो पाए। आई तो रियली एंजॉयड दिस व्यू यार। तो थोड़ी देर ये व्यू एंजॉय करने के बाद, इन ईगल्स के साथ समय बिताने के बाद, मैं निकल जाता हूँ रफी मार्ग के लिए। और ये मैं आ जाता हूँ रफी मार्ग, और मेरे ठीक सामने था राष्ट्रपति भवन और जस्ट अपोजिट था इंडिया गेट। तो मैं प्रॉपर कैप्चर करता हूँ राष्ट्रपति भवन को। अभी देखना और बताना कैसा लगा आपको ये व्यू। एंड ये था फाइनल रिजल्ट। और इस मार्ग से हम जाते हैं इंडिया गेट की ओर, और यहाँ पर क्राउड कभी नहीं थमता, इसलिए तो सभी के दिल में बसती है दिल्ली। और ये सामान का रैप अप हो रहा था जो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सजाया गया था, जो कि इस ट्रक में लोड होकर जाएगा। यहाँ पर मिलते हैं फोटोग्राफर्स जो यहाँ आए टूरिस्ट की फोटोज क्लिक करते हैं। एंड ये है अंडरपास। इसी रास्ते से इंडिया गेट को करीब से देखने के लिए जाया जाता है। और ये हम आ जाते हैं इंडिया गेट के पास, और यहाँ वाटर फाउंटेन भी मौजूद थे। जो मुझे अट्रैक्टिव लगा वो ये वाला फाउंटेन था जो ट्राई कलर में मौजूद था, और कुछ इस तरह था इसका व्यू। और पास से ये इंडिया गेट भी कम नहीं लग रहा था, एकदम मन को लुभाने वाला दृश्य था ये। और इसके ठीक सामने मौजूद था सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू। इसको देखकर दिल से एक ही आवाज आ रही थी, जय हिंद जय भारत। इसके बाद मैं जाता हूँ अंदर की ओर, जो था नेशनल वॉर मेमोरियल। और इस जगह को कुछ अच्छे से मेंटेन किया गया है, जैसे फूल, वाटर फाउंटेन और भी चीजें थी जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। और मेरे ठीक सामने मौजूद था अशोक स्तंभ। इसे वैसे अमर जवान ज्योति भी बोलते हैं, जिसमें ज्योति हमेशा प्रज्वलित पाई जाती है। और दीवारों पर मौजूद थे वॉर से रिलेटेड तस्वीरें, या यूं बोलूं स्टोन का किया गया कार्य, जिसे अच्छे से दर्शाया गया है। जिसको मैं जल्दी जल्दी में अच्छे से कवर नहीं कर पाया, क्योंकि क्लोजिंग टाइम हो गई थी। इसकी क्लोजिंग टाइमिंग है 7 बजे, तो मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ जैसे मेरे से हो पाता है। और ये थे इंडियन आर्मीज के सिंबल, इसे 3 विंग्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ऐसा मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया। और यहाँ से अब हम निकलते हैं, और थोड़ी दूरी पर मेरी नजर पड़ती है यहाँ के स्टोन्स पर, जिस पर मौजूद थे सैनिकों के नाम, जो एक अपने आप में गर्व की बात है। तो यहाँ का भी सफर हुआ पूरा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब मैं निकलता हूँ राजीव चौक कुछ खाने को, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी यार।
एंड ये मैं आ जाता हूँ राजीव चौक में, है ना कितना अच्छा। एंड फिर चलते चलते मैं आ जाता हूँ यहाँ के फेमस जैन राजमा चावल पर। क्राउड काफी ज्यादा था यहाँ पर। एंड मैं लेता हूँ एक पनीर प्लेट जिसमें मिलती है एक पनीर की सब्जी, छोले, रायता और दो बटर नान। एंड टेस्ट माइंड ब्लोइंग था। इसको खाकर मैं निकलता हूँ रूम के लिए और कुछ दूर चलकर देखता हूँ एक डांस टैलेंट जिसे ऑलमोस्ट सभी देख रहे थे। देखने के बाद मैं आ जाता हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर और लेता हूँ मेट्रो अपने रूम पर जाने के लिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड हर हर महादेव।